Vande Mataram, this video is of science subject, chapter number 1, nutrition in plants. Let's revise it. Now what is nutrition? The mode of taking food by an organism and its utilization by our body is called nutrition. हम जो खाना लेते हैं और वो खाने का हमारा body कैसे utilize करता है उसे हम nutrition कहते हैं. दो type के nutrition पढ़ेंगे. Modes of nutrition are of two types. First is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition में autotrophic दो word से बना है. Auto मतलब self, trophos means nourishment. वैसे ही दूसरे column में heterotrophic में heterotrophic भी दो word से बना. Hetero मतलब other and trophos means nourishment. अब main difference की बात करते हैं तो first difference है autotrophic nutrition जो organism होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं जबकि heterotrophic nutrition में organism अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. Second देखते हैं autotroph होते हैं उनको producer कहा जाता है मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए उनको producer कहा जाता है और heterotroph consumer होते हैं उनको consumer कहा जाता है क्योंकि वो दूसरों पर depend रहते हैं और अपना खाना खुद नहीं बनाते. थर्ड देखते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने में जबकि हीटरोट्रॉफ होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंज्यूम करते हैं जो ऑटोट्रॉफ बनाते हैं. एग्जांपल देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के प्लांट्स एंड सम एल्गी और हीटरोट्रॉफिक में देखते हैं एनिमल्स एंड सम प्लांट्स. होप आपको ये डिफरेंस बिटवीन समझ आया हो इसको अच्छे से लर्न कर लेना आप. आगे देखते हैं हम फोटोसिंथेसिस. नाउ व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये तीन चीज़ मिला के प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. अब वो प्लांट्स खाना बनाते हैं तो जो खाना यूज़ कर लेते हैं वो प्रोसेस में उसके अलावा जो खाना बच जाता है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं. और स्टार्च क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है. तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. प्लांट स्टोर्स देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड स्टार्च इज अगेन अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट और अ फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. आगे हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस किस में होती है और क्यों होती है. तो फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स में. हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था कि लीव्स आर किचन ऑफ द प्लांट. इधर मैंने लिखा है लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. एक ही बात है कि हम लीव्स में प्लांट्स क्या करते हैं? लीव्स में खाना बनाते हैं. और वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. क्लोरोफिल इज़ ए ग्रीन पिगमेंट और वो ग्रीन कलर भी देता है. एक ग्रीन पिगमेंट की वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है. इधर एक इक्वेशन के फॉर्म में समझा रखा है फोटोसिंथेसिस को. 6CO2 प्लस 6H2O विल गिव यू इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस C6H12O6 प्लस 6O2. हियर CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, H2O इज वाटर, C6H12O6 इज ग्लूकोज एंड O2 इज ऑक्सीजन. इधर फोटो में आप देख रहे हो जैसे हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस में तीन चीज़ की ज़रूरत रहती है, लाइट और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो आते हुए हमको दिख रही है, वाटर रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है जबकि एक चीज़ है वो प्लांट दे रहा है हमें बदले में, दैट इज़ ऑक्सीजन जो हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है. इसलिए अफॉरेस्टेशन हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. ये हुआ हमारा फोटोसिंथेसिस. अब दूसरा है स्टोमेटा. और लीव्स में क्लोरोफिल के अलावा क्या है? स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स है. पोर्स मतलब छेद. तो टाइनी पोर्स हैं जो लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं और गार्ड सेल से सराउंडेड रहते हैं. आपको फोटो में दिख रहा है ये स्टोमेटास के फोटो हैं. बिलियंस ऑफ स्टोमेटास रहते हैं लीव्स सरफेस पे और ये जो बीन शेप दिख रहा है आपको वो गार्ड सेल्स हैं. अब ये जो स्टोमेटा ये कब ओपन होता है? ट्रांसपिरेशन के वक्त होता है. व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट. तो ये ट्रांसपिरेशन के वक्त ओपन हो जाता है और जब ट्रांसपिरेशन नहीं करना रहता, वाटर लॉस नहीं करना रहता प्लांट को, तो ये स्टोमेटा अपने आप बंद हो जाते हैं. स्टोमेटा के दो काम हैं. पहला है ट्रांसपिरेशन का काम एंड सेकेंड इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो ये दो चीज़ स्टोमेटा करती है. तो लीफ में हमको क्लोरोफिल भी मिलेगा और स्टोमेटा भी मिलेगा.
नेक्स्ट देखते हैं हम टेस्ट टू शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। हमने स्टार्च पढ़ा था कि स्टार्च के फॉर्म में लीव्स क्या करता है, अपना खाना स्टोर करता है। तो अब हम देखते हैं हाउ टू डिटेक्ट द स्टार्च इन लीव्स बाय आयोडीन सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लांट के एक फ्लावर पॉट से प्लांट में से एक लीफ को निकाल लेंगे। वो लीफ को हम बॉइल्ड वाटर में बॉईल करेंगे थोड़ी देर तक ही। क्यों? ताकि उसके अंदर की जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो स्टॉप हो जाए। फिर वो बॉइल्ड लीफ को बॉइल्ड इथेनॉल में डालेंगे। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल ही है। थोड़ी देर बाद रख के उसमें हमको वापस उसको निकाल देना। इथेनॉल में क्यों डालते हैं हम, ताकि उसमें से क्लोरोफिल रिमूव हो जाए। अब निकालने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए वो लीफ, उसके बाद हमें क्या डालना है, 1-2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा लीफ। क्यों होता है, क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। अगर लीफ ब्लू कलर का नहीं हुआ मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, वो लीफ में कोई भी स्टोर्ड फूड नहीं था। ये है हमारा हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ बाय आयोडीन। नेक्स्ट है एल्गी। तो एल्गी क्या है, एक डाइवर्स ग्रुप है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है ये। इसकी एबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का होता है, उसमें क्लोरोफिल भी रहता है, तो ये खुद अपना खाना खुद बना सकते हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इधर आप उसको जनरल लैंग्वेज में आप लोग काई बोल सकते हो। काई हमें स्टैग्नेंट वाटर में मिलेगा, स्टैग्नेंट मीन्स रुके हुए पानी में। तो ये काई है, आप देखते ही होंगे जनरली, इसको एल्गी बोला जाता है इंग्लिश में। आगे हम देखते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमने अभी तक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, जिसमें हमने प्लांट में देखा और एल्गी देखा। अब पढ़ते हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स डिपेंड ऑन अदर फॉर न्यूट्रिशन, दूसरों पे डिपेंड रहना। इन्हें हम कंज्यूमर भी बोलते हैं। इसके टाइप देखते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, कस्कटा। पैरासिटिक क्या होता है, कस्कटा को हम अमरबेल भी बोलते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है और दूसरे को नहीं मिलता। सेकेंड देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे प्लांट जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ना लेके उनको एडिशनल न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो वैसे प्लांट के एग्जांपल है पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। थर्ड है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड मैटर पे फीड करते हैं, खाना खाते हैं, डेड मैटर से खाना लेते हैं, जिसका आंसर एग्जाम्पल है मशरूम एंड फंगी। फंगी आपने ब्रेड में देखा होगा, उसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, इसमें म्यूचुअली बेनिफिटेड रहते हैं दोनों ही ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लाइकेन्स है, लाइकेन्स एसोसिएशन है एल्गी एंड फंगी का। एल्गी क्या करती है, फंगी के ब्रांचेस जिसको हाइफे बोलते हैं वहाँ पे रहने का काम करते, मतलब शेल्टर लेती है फंगी से, और फंगी क्या लेती है एल्गी से, खाना लेती है। तो दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और उनका रिजल्ट को बोलते हैं लाइकेन्स। सेकेंड है राइजोबियम बैक्टीरिया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चार टाइप्स है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। आपको अगर फ़ोटो देखने तो आप एनसीईआरटी या गूगल सर्च कर सकते हो फ़ोटो देखने के लिए। आगे हम देखते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रीप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रीप्लेनिश्ड का मतलब होता है रिन्यू या रीअपियर। तो जैसे क्रॉप्स, एक खेत में हमने क्रॉप्स ग्रो किए, तो पहले तो क्रॉप्स ने सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए जो पहले, दूसरी बार अगर हम क्रॉप ग्रो करेंगे या तो उनको कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे या तो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स बचेंगे नहीं। तो वो न्यूट्रिएंट्स को और ऐड करने के लिए सॉइल में हम क्या क्या चीज़ डालेंगे, तो फर्टिलाइज़र एंड मेन्योर। फर्टिलाइज़र पूरा केमिकल बेस्ड रहता है, जो केमिकल के एग्जाम्पल्स दे रखे जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, और भी कई केमिकल्स होते हैं। और मेन्योर होता है वो पूरा ऑर्गेनिक बेस्ड रहता है, जिसमें केमिकल नहीं रहते। एग्जाम्पल है काउ डंग, वेजिटेबल पिल्स, फ्रूट पिल्स और एंड एक्सेट्रा। सेकेंड देखते हैं बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। अभी हमने पढ़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में राइजोबियम एक एग्जाम्पल था। तो राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम इज सिंगुलर वर्ड एंड बैक्टीरिया इज प्लूरल वर्ड। तो राइजोबियम कहाँ रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट
में रूट के नोड्यूल्स में रहता है, जड़ों पर रहता है। अब लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, जैसे चिकपी हो गए, ग्राम्स, लेंटिल्स, बीन्स, दाल, ये एग्जाम्पल है लेग्यूमिनस प्लांट्स के। तो राइजोबियम का काम क्या होता है, वो उधर रह के करता क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। तो प्लांट को फ़ायदा होता है कि उसको नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में मिलता है और राइजोबियम को वहाँ रहने की जगह मिल जाती है। तो राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू सॉल्यूबल फॉर्म विच इज़ यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द बैक्टीरिया। सो इधर आपको समझ आ गया होगा कि हम न्यूट्रिएंट्स को कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं सॉइल के अंदर। इधर मैं अपना वीडियो कंप्लीट करती हूँ। होप यू अंडरस्टूड वेल, लर्न वेल, स्टे सेफ एंड गुड बाय, टेक केयर।